everyone, this is Sunita and once again welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ अनएक्सप्लोर मार्केट ऑफ गोरेगांव. गोरेगांव स्टेशन के बाजू में ये मार्केट लगती है. तो आज के वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं गोरेगांव स्टेशन पहुँच चुकी हूँ और ये जो है यहाँ पे गोरेगांव वेस्ट में ये मार्केट लगती है. तो चलिए मार्केट एक्सप्लोर करते हैं गोरेगांव वेस्ट की. क्या प्राइस है इसका? अच्छा, कोई भी ये ट्रैकिंग 200 है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ट्रैक पैंट्स है और ये कोई भी ट्रैक पैंट 200 का है. सो ये स्पेशली बॉयज़ के लिए है. 200. ये भी 200 वाला है टी शर्ट सारा. और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयज़ के लिए टी शर्ट है और इसकी जो प्राइस है ये 150 है. कितने बजे तक रहता है मार्केट? 4 बजे तक. अच्छा, और ये थर्सडे कोई स्पेशल मार्केट लगती है? आज ना गुरुवार को. हाँ, और मंडे टू संडे चालू रहती है? ओके, कभी बंद रहती है क्या मार्केट? ओह, थैंक यू. सकते हो ये सेल है, लेडीज टॉप 100 रुपीज़ में टॉप्स है. स्टेशन के बिल्कुल ही सामने हैं और जो टॉप्स है ये 50 रुपीज़ में है. मैं आपको कुछ टॉप्स दिखा देती हूँ. सो फ्रेंड्स, ये तो गोरेगांव स्टेशन वाली मार्केट है और यहाँ पे आपको टी शर्ट, जीन्स, कुर्तीज़ वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी. और मैं गई थी थर्सडे के दिन. यहाँ पे एक मार्केट लगती है. यहाँ पे आपको पता ही होगा टोपी वाला जो थिएटर है उसके लेन में ही एक स्पेशल मार्केट लगती है थर्सडे पे. बट एक्चुअली ये अभी जो चल रहा है लॉकडाउन, तो इसकी वजह से वो काफ़ी जल्दी बंद हो गई थी. कुछ 12-12:30 बजे ही बंद हो गई थी और मैं आफ्टरनून टाइम में गई थी. तो ये जो भी आप मार्केट देख रहे हो ये गोरेगांव स्टेशन वाली मार्केट है. सो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आप ये जो टॉप्स देख रहे हो इनकी जो स्टार्टिंग है ये 250 से है. 250 एंड 350 में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप्स मिल जाएंगे. ये जो लगा ये सब टॉप्स ये सब 350 वाले इनके शॉप में आपको क्रॉप टॉप, टी शर्ट, वेस्टर्न टॉप्स तो मिल ही जाएंगे. इसके अलावा आपको वन पीस मिल जाएंगे और लॉन्ग गाउन में भी आपको काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने मिलेगी. और जो वन पीस है उसकी स्टार्टिंग 500 से है, लॉन्ग गाउन की 600 से है. सो 500 टू 650 के बीच में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे देखने मिल जाएगी. ये आप टॉप्स देख सकते हो 250 एंड 350 की रेंज में ये वेस्टर्न टॉप्स एंड क्रॉप टॉप्स आपको देखने मिल जाएंगे. ये डेनिम का जैकेट क्या प्राइस है? सो फ्रेंड्स, डेनिम जैकेट की जो प्राइस है उन्होंने 400 बताई है. सो यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, थोड़ी प्राइस आप कम कर सकते हो. ये कुछ रिंग्स देखे मैंने यहाँ पे, ये 10 रुपये में मिल रहे थे रिंग्स. यहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी छोटे छोटे स्टॉल दिखेंगे, स्ट्रीट शॉप्स दिखेंगे. जैसे कि ये बैंगल्स के लिए है, तो बैंगल्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रीट शॉप है.
थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। और इनके बाजू में ही ये यहाँ पे आपको रेडीमेड ब्लाउज मिल जाएंगे, 200 से स्टार्टिंग बताई है। सो ये वाला जो आप देख रहे हो ये 250 बता रहे हैं। और ये जो भी सारे स्ट्रीट शॉप है ये लॉर्ड्स कॉलेज के बिल्कुल ही अपोजिट में है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रीट शॉप देखने मिल जाएंगे। तो ये लैंडमार्क है लॉर्ड कॉलेज। और ये देखिए आपको यहाँ पे ड्रेनी शूज़ देखने मिल जाएंगे, इनकी प्राइस है 200। आपको शूज़ के लिए भी काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रीट शॉप देखने मिल जाएंगे और प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, 200 रुपीज़ में आपको ये रेनी शूज़ मिल जाएंगे। क्या प्राइस है ये साड़ी का? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईयरिंग्स के लिए ये शॉप है और इनके पास 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग है और ब्यूटीफुल है काफ़ी, ये आप देख रहे हो। और जो थोड़े लॉन्ग में आप देख रहे हो इनकी 100 रुपीज़ है प्राइस। सो काफ़ी ब्यूटीफुल ईयरिंग्स है। ये कुछ रबर बैंड्स है, रबर बैंड्स, बैंगल्स, हेयर बैंड। और यहाँ पे आप ये कुर्तीज़ देख रहे हो फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइस है ये 200 है। सो ये डेली वेयर के लिए, अगर आपको ऑफिस यूज़ के लिए भी अगर अच्छी लगे तो आप ये ले सकते हो, ओनली 200 रुपीज़ है। काफ़ी कलरफुल है। एंड ये जो भी सारे स्ट्रीट शॉप है ये बिल्कुल ही लॉर्ड्स कॉलेज वाले एरिया में है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी लोग हैं, फ़िलहाल नॉर्मल जैसे लग रहा है, बट मार्केट यहाँ की जो है 4 बजे तक ही ओपन रहती है। कुर्तीज़ के लिए आपको ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रीट शॉप यहाँ पे देखने मिलेंगे और इनकी भी प्राइस जो है ये 200 है। सो ये गोरेगांव वेस्ट में है, स्टेशन से काफ़ी नज़दीक लगती है मार्केट। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको ड्रेस मटेरियल मिल जाएंगे, 500 से स्टार्टिंग है, 500 एंड 650 की रेंज में आपको अच्छे अच्छे ड्रेस मटेरियल यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। सो ये आप पर्स देख रहे हो फ्रेंड्स, इनकी प्राइस है 100 रुपीज़, 100 से स्टार्टिंग है ये हैंड पर्स की। एंड ये जो देख रहे हो इनकी जो प्राइस है ये 200 है। सो यहाँ पे आप कोई भी बैग लोगे इसकी प्राइस आपको 200 लगेगी। सो इसका भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी फ़िलहाल मुंबई में जो मार्केट्स है ये ओपन हो चुके हैं। कोई कोई मार्केट 4 PM तक रहते हैं और कोई इवनिंग के 7 बजे तक भी रहते हैं। ये जो भी मार्केट्स है ये काफ़ी नज़दीक है तो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, बट काफ़ी सारे मार्केट्स है जो दूर है और अभी फ़िलहाल मुंबई में ट्रेंड्स चालू नहीं हुई है तो इसकी वजह से मैं मार्केट एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्द आपके लिए हर एक मार्केट का स्टेटस दिखा सकूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अच्छी नहीं भी लगी होगी तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये गोरेगांव वेस्ट में है मार्केट, स्टेशन मार्केट है, स्टेशन से काफ़ी नज़दीक है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ देखने मिल जाएगी हर एक चीज़ की। ये आप देख रहे हो यहाँ पे हेयर बैंड है एंड हेयर एक्सेसरीज़ है। ये वाली जो आप देख रहे हो ये 180 बताई है उसकी प्राइस।
और ये वाली जो है ये 120 की है। फ्रेंड्स देख सकते हो सुरभि, ये काफ़ी फेमस है गोरेगांव में, जो भी मेरे फ्रेंड्स गोरेगांव में रहते हैं उनको पता होगा। यहाँ पे भी सेम रेनी शूज लगे हैं एंड प्राइस सेम है 200। यहाँ पे आप वॉच का काफ़ी अच्छा कलेक्शन देख सकते हो, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए है और स्टार्टिंग है 200 से। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।